देश की जीडीपी अप्रैल जून तिमाही में इतिहास की सबसे बड़ी गिरावट की गवाह बन गई है। हालात मौजूदा तिमाही यानी जुलाई सितंबर के भी बेहतर नजर नहीं आते, लेकिन विकास दर की रफ्तार अक्टूबर दिसंबर तिमाही में कैसी रहेगी, इसका अंदाजा दो खबरों को जोड़कर लगाया जा सकता है। पहला तो सरकार ने अब लॉकडाउन 4 में मेट्रो समेत कई आर्थिक गतिविधियों को शुरू करने की अनुमति दी है। साथ ही केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने भरोसा जताया कि इस साल दिवाली तक कोरोना को काबू कर लिया जाएगा। हर्षवर्धन का कहना है कि देश इस महामारी से निपटने में बहुत आगे है। सो मेनी मेडिकल रिफॉर्म्स आर हैपनिंग इन द हेल्थ सेक्टर, इट्स डिफिकल्ट टू डिस्क्राइब देम इन दिस स्पीच, वेदर इट इज विद द नेशनल मेडिकल कमीशन, वेदर इट इज फॉर सो मेनी अदर रिफॉर्म्स इन मेडिकल एजुकेशन करिकुलम एक्सेट्रा, आई थिंक हिस्टोरिक डेवलपमेंट्स हैव टेकन प्लेस। इसे कंट्रोल करने का दावा करने के पीछे की वजह स्वास्थ्य मंत्री के हिसाब से कोरोना के आने से पहले और लॉकडाउन के दौरान की गई तैयारियां हैं। हर्षवर्धन के मुताबिक पीएम मोदी की बनाई समिति जिसकी स्वास्थ्य मंत्री अगुवाई करते हैं, वो अब तक 22 बैठकें कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि फरवरी तक कोरोना टेस्टिंग के लिए देश में केवल एक लैब थी, जो अब बढ़कर 1583 हो गई है। इसमें से 1000 से ज्यादा सरकारी लैब्स हैं। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि देश में रोजाना करीब 10 लाख टेस्ट किए जा रहे हैं और यह आंकड़ा लक्ष्य से कहीं आगे है। जैसा कि ऑनरेबल हेल्थ मिनिस्टर ने कहा कि फरवरी में इंडिया में सिर्फ एक लैब थी, जो कि अब लगभग 1600 के करीब टेस्टिंग लैब्स है और करीबन 10 लाख टेस्ट डेली हो रहे हैं। शुरुआत के दिनों में आरटीपीसीआर मशीन जो कि टेस्टिंग में इस्तेमाल की जाती है की काफ़ी कमी थी, एनआईबी से इसकी शुरुआत हुई थी। आरटीपीसीआर किट्स जो काफ़ी लिमिटेड थे और दूसरे देशों से किट्स के एक्सपोर्ट को लेके भी काफ़ी चैलेंजेस थे, लेकिन अभी वर्तमान समय में हमारे पास काफ़ी किट्स मैन्युफैक्चरर कंपनीज हैं और किट्स के स्टॉक को लेके किसी भी तरह की समस्या नहीं है। हर्षवर्धन ने इस तैयारी के बीच में मेडिकल उपकरणों में की गई तरक्की का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि पहले की तरह अब पीपीई किट, वेंटिलेटर और N95 मास्क की कमी नहीं है। उन्होंने कहा देश में हर दिन 5 लाख पीपीई किट बनाई जा रही हैं, जबकि 10 मैन्युफैक्चरर्स N95 मास्क बनाने का काम कर रहे हैं, 25 कंपनियां वेंटिलेटर बनाने का काम कर रही हैं। कोरोना वायरस की वैक्सीन पर हर्षवर्धन ने कहा कि वैक्सीन का ट्रायल जोरों पर है, 3 वैक्सीन अपने क्लिनिकल ट्रायल में है जबकि 4 वैक्सीन प्री क्लिनिकल ट्रायल में चल रही है। स्वास्थ्य मंत्री ने उम्मीद जताई है कि इस साल के आखिर तक वैक्सीन तैयार हो जाएगी। सीरम इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिक भी ऐसा ही भरोसा जता रहे हैं। As far as the immunogenicity is concerned and the safety is concerned, then the government will give the clearance for the vaccine to be used in the public domain and the manufacturer has to manufacture. I am not the authority to say when the vaccine will be available. We are the researchers. But what I am made to understand that there is a keenness from a part of manufacturer, research society and even government to make the vaccine available as early as they can. दुनिया भर में कोरोना की करीब 170 वैक्सीन पर काम चल रहा है। WHO के मुताबिक दुनिया की कम से कम 30 वैक्सीन ह्यूमन ट्रायल के आखिरी फेज में है, जिसमें भारत की कोवैक्सीन और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की कोविशील्ड भी शामिल है। ऐसे में अगर कोरोना कंट्रोल होता है और वैक्सीन आती है तो फिर अर्थव्यवस्था को पटरी पर आने से रोकना मुश्किल है।